लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक प्रसूता के लिए नॉन स्टॉप ट्रेन को रोका गया टूनला जंक्शन पर। महिला को भेजा गया 108 एम्बुलेंस से हॉस्पिटल। बता दें, दिल्ली से प्रयागराज जा रही नॉन स्टॉप ट्रेन संख्या 02560 शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन को टूनला रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल की सूचना पर कल रात्रि पर रोका गया। आपको बता दें, 36 वर्षीय गर्भवती महिला सुनीता देवी पत्नी विमल कुमार अपने परिजनों के साथ ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस के कोच संख्या S1 में सीट संख्या 37 पर दिल्ली से प्रयागराज जा रही थी। तभी ट्रेन में प्रसूता सुनीता को तेज दर्द उठा और इसकी जानकारी सुनीता देवी के पति विमल कुमार ने TTE को दी और TTE ने इसकी सूचना फोन पर टूनला कंट्रोल को दी। सूचना के बाद टूनला स्टेशन अधीक्षक द्वारा GRP टूनला पुलिस को प्रसूता के बारे में सूचना दी गई और इस नॉन स्टॉप ट्रेन जब कल रात्रि टूनला स्टेशन पर ये पहुंची तो GRP पुलिस बल और अन्य रेलवे का स्टाफ सहायता के लिए ट्रेन पर पहुंचा और प्रसूता सहित परिवार को ट्रेन से उतरवाकर 108 एम्बुलेंस से टूंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। गर्भवती महिला उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज थाना दुर्गापुर के गांव वंडा की रहने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी, आप एम्बुलेंस पे कौन है और क्या सूचना मिली थी आपको? मैं एम्बुलेंस EMT पद पे कार्यरत हूँ। क्या सूचना मिली थी? हमारे पास सूचना 102 से लखनऊ हेड ऑफिस से फोन आया कि आपके पास एक कैफ असाइन हुआ। जब मैंने नंबर आता है कॉलर को फोन किया तो पता चला यहाँ के स्टेशन मास्टर जी थे वो। तो उन्होंने फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मतलब दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है उसमें एक महिला है और डिलीवरी होना उसके लिए तो गाड़ी की जरूरत थी। अच्छा, किस ट्रेन में बताया था? ये ट्रेन का नाम तो नहीं था, पता नहीं है हमको, और इनको प्रयागराज जाना था ये मालूम था। अच्छा, तो महिला आपको मिल गई? हाँ, महिला हमारी गाड़ी में है, सेफ्टेड है। आपका? कैलाश चौधरी। ये अभी जो एक महिला को एम्बुलेंस से भेजा गया है, क्या सूचना मिली थी, क्या था ये? SS द्वारा मेमो दिया गया 02560 शिवगंगा एक्सप्रेस में एक महिला डिलीवरी का दर्द हो रहा है, उसकी सूचना दी गई थी। वो शिवगंगा एक्सप्रेस में S1 कोच में 37 सीट पर यात्रा कर रही थी, उसको एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचवा दिया गया।